लेकिन ये परमाणु ऊर्जा का जो कंट्रोल सिस्टम है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत फाइन मैनेजमेंट चाहिए। तो हमें इस ढंग का चीज में बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल है फेल्योर हो सकते हैं, वहाँ कभी ना कभी फेल्योर होगा। ये साइंस भी बोलते हैं और ये एक्सपीरियंस भी। जहाज आ रहा था, स्ट्रगल स्ट्रगल जहाज जहाज में लग रहा था। ये ऐसा मुद्दा है ही नहीं है।
हर आदमी के दिमाग में बहस है, आपको विकास नहीं चाहिए, आपको बिजली नहीं चाहिए, यही नहीं समझ पा रहा अभी तक, तो लड़ाई के लिए तो बात की बात है। आपके साथ कंधा मिला के कोई लाठी लेके खड़ा हो वो तो तब होगा जब उसका दिमाग साफ होगा कि बिजली क्या है, विकास क्या है, किसके लिए सारी तैयारी है। लोकपाल में तो सबके समझ में आ रहा है, होना उससे भी कुछ नहीं है, किसी को बैंकों की व्यवस्था बदल जाएगी। बहुत से चीजें इस देश के अंदर हुई हैं, कानून बनते हैं लेकिन कभी वो कानून मैदान में आते नहीं। अब आरटीआई का कानून बना ना, अभी कहा ना जाकर साहब ने कि हमें किसी ने दी नहीं, बन गया कानून, हल क्या हुआ? इस व्यवस्था को बदलने में, और ये जो केंद्र बिंदु है, ये आपका कॉर्पोरेशन का जो रूल है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, निगमों का, पूरी दुनिया में जो निगमों का शासन लागू हो गया है उसमें से भारत भी एक है, और उसी का एक पार्ट, एक मजबूत परमाणु प्लांट जो पूरे इस कॉर्पोरेट सेक्टर को यहां जमाने के लिए और उसको संचालित करने के लिए एक पावर का काम करेगा, ताकि हमारी पूरी शक्ति उनके हाथ में रहे। जब मान लीजिए आज आपके देश में कॉर्पोरेशन के खिलाफ माहौल बन जाए कि हम नहीं करते, एक भी कंपनियों को यहां से बाहर निकालो, भ्रष्टाचार का मुद्दा चल रहा है ना, भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? 2G स्पेक्ट्रम दिया किसने? ए राजा का हथियार है, उसके पीछे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है जिसमें करोड़ों रुपए का मुनाफा पाया है, उसके खिलाफ तो किसी ने आवाज नहीं उठाई जनता मंत्र पे भी। सवाल यह है कि उसको जो पावर देने का काम है ये डाइवर्ट हुई है पूरी लड़ाई, उसको समझने की कोशिश करें कि जो विरोध बन रहा था विक्रिक्स के खिलाफ, जो विरोध बन रहा था 2G स्पेक्ट्रम के खिलाफ, जो लोगों के दिमाग में जो चीजें बन रही थी उसको बड़ी सफाई से इन्होंने ट्रांसफर किया। उसमें आप जरा सुन लीजिए, मैं न्यूक्लियर इशू की बात कर रहा हूँ, और उसको जिसने ट्रांसफर किया उसमें क्रिकेट का खेल हमारे पास अभी इतनी बड़ी ताकत यहाँ नहीं है कि हम उसको
विकास के लिए बिजली के लिए ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तो समझने की बात यही है कि ये जो सारा केंद्र बिंदु है और जो पूरा चैनल है जय विकास है, सरकार रिमोट कंट्रोल सिस्टम है, सारा प्रोग्राम वही है। और इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि अभी हमारे पास पूरे हरियाणा में केवल सेमिनार और लोगों को जागरूक करने के सिवाय कोई ऐसा मंत्र नहीं है। मैं साफ कह रहा हूँ कि फूक मार दे अभी मामला पलट जाए। ये तो लोगों को अखबार के द्वारा, मीडिया के द्वारा इस तरह के साइंटिफिक डिबेट के साथ ही लोगों को जागरूक किया जाएगा। और उसी में से ही जगह जगह पर जो आपने अन्ना हजारे की बात कही है वो पॉकेट्स अगर आपने इस मूवमेंट के लिए खड़ा करना है तो उसके लिए तो आपको जिले जिले में पहले जाना पड़ेगा। और उसी का प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, जैसे रोहतक में सेमिनार हुआ, चंडीगढ़ में हुआ, सोनीपत में हुआ, फतेहाबाद में हुआ, अभी ये हिसार में आज हुआ है, आज भिवानी में हुआ, दो जगह आज हुई, कल दो जगह है। हमारी कोशिश वही है कि वो क्रोध वो जो लोगों का ठंडा हो गया, अरे जापान का इतना बड़ा हादसा होने के बाद तो हरियाणा को रूट बढ़ना था दिल्ली में, क्यों नहीं गए कुछ लोग, समझना चाहिए इस चीज को कहाँ था। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हमें इसका प्रयास बहुत ज्यादा स्तर पर करना चाहिए। और जो गोरखपुर का किसान है उसके साथ पूरे हरियाणा के लोगों की सहमति बने, उनकी मदद के लिए सब लोग उतरे, अपनी अपनी जगह से वो विरोध करना शुरू करें कि हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में नहीं चाहिए। ये विरोध पूरे हरियाणा से जब तक नहीं निकलेगा तब तक दिल्ली तक हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो सोचा जा सकता है। मुझे अभी थोड़ा सा लगता है कि समय लगेगा इन चीज़ों को थोड़ा पकाने में और उसका प्रयास कर रहे हैं आप सब लोग। संजय कर्मचारी हूँ, महेंद्रगढ़ जिले से देवल गांव का सरपंच हूँ और यहाँ पर बार एसोसिएशन का सदस्य हूँ और झारखंड के मानस के लिए दो बातें मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं सारी बातें निकाल पड़ी, ये सब चीज़ क्लियर है हमारे पास। जैसे उन्होंने कहा कि कैसे आप प्रोफल कर सकते हैं गवर्नमेंट, अलग अलग पॉकेटों में बात आ रही है, इधर उधर हो रही है। आखिर हम हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में भी लोगों को पता नहीं कि फतेहाबाद में गोरखपुर में प्लांट लगा है, कमी हमारी है। बड़े विनम्र भाव से मैं कह रहा हूँ कमी हमारी है। हम संगोष्ठी कर रहे हैं लेकिन कभी इस मुद्दे पर बात नहीं हुई कि समान विचारधारा वाले लोगों से हम कहें कैसे नहीं। आज की उपस्थिति जो लोग इससे जुड़े हैं उतने ही है, जनता नहीं है। ये गंभीर मसले में चल रहा है। ये सब तब आप यहाँ के गवर्नमेंट को महाराष्ट्र में कैसे हुए, वहाँ पर विपक्षी पार्टी आपके साथ हो गए और कई फंड हो गए आपके साथ, आज वहाँ हालात अलग है जनपुर के लिए। बस हम हरियाणा में क्यों नहीं कर सके अभी तक? ये सिर्फ एक तरह से जैसे न्यूक्लियर का जो रेडिएशन हो रहा है 25 किलोमीटर ये देखा, सर हमको लग रहा है यहीं तक रह के रह जा रहा है, बाहर तक नहीं पहुँच रहा है। आज पहली बार सुनने को अच्छा लगा कि आपने कहा कि हमने भिवाड़ी में किया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके महेंद्रगढ़ में भी है? हाँ नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ कुछ और प्लान करिए, समान विचारधारा वाले लोगों को लाइए, जनता के बीच में जाइए और आप बोलिए कि उनकी जान की कीमत पर भैया ये हो रहा है। टेक्निकल एस्पेक्ट आम जनता नहीं समझती, ये कुछ बुद्धिजीवी समझेंगे लेकिन आम जनता तक आपको पहुँचना पड़ेगा यहाँ मंच पर बैठ के समय गवाने से। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है लेकिन आप पहुँचे हो, कृपया मैं सिर्फ एक निवेदन।
कि आप जो हम कर रहे हैं वही मान लीजिए, क्योंकि हम सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, हम रोजगार दे देंगे और हम देश को ऐसा ही बना देंगे जैसे टेलीविजन की एड में दिखाई देता है, बहुत बढ़िया साफ सफा हरियाली, बच्चे हम ऐसा बनाएंगे देश को। आप बोलिए, हमारा देश नहीं बोला 20 साल तक तो बोला नहीं, प्रयास होते रहे, लेकिन उनका कम्युनिटी इफेक्ट होता है और एकदम से अन्ना हजारे दिल्ली पहुँचे और पूरा हिंदुस्तान पहुँचने लगा। मैं तो ये था कि वो जो कंस्ट्रक्टिव कंसेंसस है वो बनाते हैं, जबरदस्ती बनाते हैं, वो टूट गई और देश बोलने लग गया। ये बहुत बड़ा महत्व था जवाहर लाल जी का खास था उसका, और मैं समझता हूँ जितना ये लोग बोलने लग गए इतने इशूज़ के ऊपर आ जाएगा। आपके प्रयास हम समर्थन करते हैं और बहुत अच्छे प्रयास हैं, कुछ मामले पेचीदे होते हैं, कुछ सीधे होते हैं, और ये कंस्ट्रक्शन जो था उनका बोलो नहीं, मैं जाता हूँ ये लेने के लिए 25 रुपये दे दूँ, मैं कुछ नहीं बोलता। दूसरी बार जाता हूँ 35 रुपये दे आएगी, मैं कुछ नहीं बोलता। ये 150 रुपये की आएगी, मैं क्या बोलूँ। 20 जाता हूँ स्कूल में 2000 रुपये जी मिलने की बच्चे की, मैं नहीं बोलता। अगले साल 3000 रुपये जी, मैं नहीं बोलता। हमें बोलने के लिए ऐसा एक सिस्टम बनाया गया, हम बोल नहीं सकते। हमारी स्पिरिट को डाउन किया गया, खत्म किया गया बोलने की स्पिरिट को, मैं कहीं नहीं बोल सकता। इस लाइफ में छोड़ा मेरे को कि मैं कहीं नहीं बोलूँ, दुकान पर नहीं बोल सकता, रेडी पर नहीं बोल सकता, स्कूल में नहीं बोल सकता, कॉलेज में नहीं बोल सकता, यूनिवर्सिटी में नहीं बोल सकता। कई बार एक काम करके हम मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, वो बढ़ा देते हैं, तनख्वाह तो बढ़ा देते हैं, बोलना नहीं है। ये है कंस्ट्रक्टिव कंसेंसस, के कुछ नहीं बोलो, मजबूर हो जाओ, चुप हो जाओ। ये जो आप बोल रहे हैं समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है, और उसी का टूटना एकदम से सरकार को कर रहा है। 20 साल का प्रयास एक दिन में धराशायी हो गए, दिल्ली में अपना हजारे करके पूरा हिंदुस्तान में अपना आवाज बढ़ाने लग गया। 20 साल से मैं गवर्नमेंट काम कर रही थी, एक दिन में खत्म हो गया। इसलिए उसका बहुत बड़ा महत्व था। ऐसे ही हम सोचते कि आंदोलन बढ़ेगा। अब मैं नहीं बोलूँगा, श्री श्रीनिवास राम शर्मा जी का इंतजार कर रहे हैं, वो अपनी बात कहेंगे।